हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड. आज हम लोग टेंसेस करेंगे कि जर्मन में कितने टेंसेस होते हैं, टेंसेस और हमें सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने होते हैं. जैसे कि इंग्लिश होता है, इंग्लिश में हमारे सिंपल प्रेजेंट होता है, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट होता है, देन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है. यानी कि प्रेजेंट में हमारे चार टेंसेज होते हैं, देन पास्ट में हमारे चार टेंसेज होते हैं, देन फ्यूचर में हमारे चार टेंसेज होते हैं, हमारे 12 टेंसेज होते हैं. बट जर्मन में ऐसा कुछ नहीं होता. जर्मन में सिर्फ 6 टेंसेज होते हैं, वो मैं भी कराने वाली हूँ. तो एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता यहाँ पर, यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस ही नहीं होता. जैसे इंग्लिश में होता है आई एम ईटिंग, आई एन जी फॉर्म, यहाँ आई एन जी फॉर्म नहीं होती. तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले मैं दो तीन वर्ब्स बताना चाहूँगी. सपोज एक तो मैं एक वर्ब ले लेती हूँ, लर्नन. लर्नन का मतलब होता है टू लर्न. ये प्रेजेंस में है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, जिसका मतलब टू लर्न, कि मैं कुछ लर्न कर रही हूँ या कुछ सीख रही हूँ. तो उससे पहले मैं दो तीन कॉन्जुगेशन आपको बताना चाहूँगी, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँगी. सबसे पहले हाबन. हाबन का मतलब होता है टू हैव, और ये है एक हेल्पिंग वर्ब भी है, लाइक इंग्लिश में हैज एन हैव जो होता है. तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या होती है, इश हाब डू हास्ट एयर जी एस हार्ट वियर जी जी हाबन ईयर हाफ्ट. ये कॉन्जुगेशन है. बट डू और एयर जी एस इसमें थोड़ा अलग होता है, तो इसमें बी नहीं आता. हास हार्ट, और इश हाबा डू हास एयर जी एस हार्ट वियर जी जी हाबन ईयर हाफ्ट. इश का मतलब आई होता है, डू का मतलब यू होता है, दैट मीन्स तुम, एयर का मतलब ही होता है, जी का मतलब शी, एस का मतलब इट, वियर का मतलब वी होता है, एंड जी कैपिटल का मतलब आप होता है, दैट इज यू फॉर्मल, एंड जी स्मॉल का मतलब दैट इज दे. तो ये एयर जी एस का प्लूरल फॉर्म है, और ईयर डू का प्लूरल फॉर्म है. डू होता है तुम, और ये होता है तुम लोग. तो अब दूसरा होता है हाबन का जो पास्ट होता है वो होता है हाटन. तो उसकी कॉन्जुगेशन भी मैं बता देती हूँ, इश हाट. पास्ट टेंस में एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, इश और एयर जी एस सेम होता है. इश हाट Do heart test, air is heart, wear is heart ton, ear hearted. अच्छा, past tense में मैंने क्या rule बताया? Rule number वन, जो ish और air is same होता है, पहला rule. जो ish होता है वही air is होता है. दूसरा, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे heart test में st आना चाहिए, e क्यों आया? क्योंकि t के साथ e भी carry होता है, टी और डी के साथ. तो यहाँ पर टी है थर्ड लेटर हमारा, इसलिए हार्ट टेस्ट, और हार्ट टेट हार्टन, इसलिए यहाँ पर. तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया. देन हमारा आता है वैडन. वैडन की कॉन्जुगेशन, वैडन का मतलब टू बिकम होता है, और वैडन फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज होता है, और हार्टन पास्ट टेंस के लिए यूज होता है. मैं यूज कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगी. तो इसका मतलब हार्टन का मतलब हैड है, और हाबन का मतलब हैव या हैज है, और वैडन का मतलब वैसे टू बिकम होता है, और ये विल के लिए भी यूज होता है, फ्यूचर टेंस के लिए भी. तो वैडन की कॉन्जुगेशन, इश वैड डू विस्ट एयर जी एस विड वियर जी जी वैडन ईयर वैडेड. तो कॉन्जुगेशन, वैडन की कॉन्जुगेशन, इश वैड डू विस्ट एयर जी एस विड वियर जी जी वैडन ईयर वैडेट. तो ये तीन कॉन्जुगेशन सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए. हाबन की कॉन्जुगेशन मैंने बता दिया, देन हार्टन की, देन वैडन की. हाबन हैज एन एव, और ये तीनों अभी मैं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करूंगी, नॉर्मल वर्ब की तरह यूज नहीं करूंगी. तो ये अभी विल की तरह यूज होगा, वैडन हार्टन हैड की तरह, और हाबन हैज और हैव की तरह. अच्छा, लर्नन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लर्नन का जो पास्ट होता है, ये लर्नन प्रेजेंस में हो गया, इसका पास्ट हो जाएगा लेंटन, और इसका जो परफेक्ट होगा वो गैलेंट होगा. जैसे इंग्लिश में क्या होता है, जब हम करते हैं ना ईट एट ईटन, मतलब एक इंग्लिश में हम करते हैं ईट एट ईटन, यानी कि एक एक प्रेजेंट टेंस होता है, देन एक पास्ट के लिए होता है, एक देन एक परफेक्ट के लिए होता है. ऐसे ही जर्मन में होता है, हमें ये तीनों याद करना होता है. पास्ट के लिए क्या यूज होगा, परफेक्ट के लिए क्या यूज होगा, प्रेजेंस के लिए क्या यूज होगा. तो आपका लर्नन प्रेजेंस में है, लेंटन पास्ट में है, गैलेंट परफेक्ट में है. अब मैं सारे यूज कर दिखाऊंगी. तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंस.
प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, आई लर्न जर्मन, तो इश लर्न डॉयच, मैं जर्मन सीखती हूँ। दूसरा पार्टिसिप परफेक्ट, तो मैं भी परफेक्ट लिख रही हूँ। परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, परफेक्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पार्टिसिप परफेक्ट कैसे बनाना होता है वो आपको देखनी होगी, देन आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं ये बता रही हूँ, जैसे लैरनन है, लैरनन एक हाबन वर्ब है, इसके साथ हाबन की कॉन्जुगेशन आती है, तो क्या करना होता है, इश हाब, फिर ऑब्जेक्ट लगाया डॉयच गेलैंड, फिर हमें परफेक्ट फॉर्म लगानी होती है। यानी कि हमें जो ये एक्चुअल वर्ब है, ये हमारी हाबन वर्ब है, तो हाबन के साथ कॉन्जुगेट किया हमने सब्जेक्ट को, इश हाबा डॉयच गेलैंड। देन हम लेते हैं प्रिटेरिटुम, प्रिटेरिटुम मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के लिए वही इश, और हमारा पास्ट टेंस होता है लेंटन, तो इश के साथ क्या आ जाएगा, लेंटर, इश लेंटर डॉयच, मैंने जर्मन पढ़ी। तो पहले सेंटेंस का मतलब है इश लेना डॉयच, मैं जर्मन सीख रही हूँ। दूसरा का मतलब है इश हाबा डॉयच गेलैंड, मैं जर्मन सीख चुकी हूँ। और तीसरा है इश लेंटर डॉयच, मैंने जर्मन सीखी थी, मतलब सीखी। देन हमारा आता है प्रिटेरिट प्लूसक्वाम परफेक्ट। प्लूसक्वाम परफेक्ट का मतलब होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए जैसे हमने हाबन के साथ कॉन्जुगेट किया था, इसमें क्या होता है, हाटन के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं। तो हाटन की मैंने अभी कॉन्जुगेशन बताई थी आपको, इश हाट दू हाट से इज हाट, तो यहां पर इश हाट, फिर वही ऑब्जेक्ट डॉयच, देन हमने परफेक्ट लगा दिया गिलैंड। नेक्स्ट है हमारा फुटुअर आइंस, दैट मीन्स फ्यूचर। तो इसमें क्या करना होता है, वैडन की कॉन्जुगेशन लगती है, इश वैड डॉयच, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म लर्नन, मैं जर्मन सीखूंगी, या हाँ मैं जर्मन सीखूंगी, आई विल लर्न जर्मन। देन फुटुअर स्वाय, इश वैड डॉयच गिलैंड हाबन, मैं जर्मन सीख चुकी होंगी। अब मैं सबके पहले मतलब बता देती हूँ। सबसे पहले वाले में क्या लगता है, पहले में जब हम प्रेजेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट आता है, देन हमारी वर्ब आती है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि इश लर्न डॉयच, मैं, और इश की कॉन्जुगेशन क्योंकि इश है तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन लगेगी, इश लर्न डॉयच, मैं जर्मन सीखती हूँ। दूसरा इश हाबा डॉयच गेलैंड, परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब या तो जाइन होती है या हाबन, लर्नर हमारी हाबन है इसलिए मैंने हाबन की कॉन्जुगेशन लगाई, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है, देन हमारा परफेक्ट आता है, तो ये परफेक्ट फॉर्म आती है, तो गिलैंड इसलिए लगा, तो इश हाबा डॉयच गिलैंड, जिसका मतलब ये है मैं जर्मन सीख चुकी हूँ। देन हमारा आता है इश लैंटर डॉयच, इसमें भी सब्जेक्ट, अब इसमें पास्ट टेंस वाली वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, तो इश लैंटर डॉयच, मैंने जर्मन पढ़ी या सीखी। अब ये पढ़ने वाला वो रीड वाला नहीं है, ये सीखने वाला है, पढ़ना मतलब पढ़ाई करना, दैट मीन्स मैंने जर्मन पढ़ी या जर्मन सीखी, नॉट ये रीड करने वाला, वो लेजन वर्ब नहीं है। तो इश लैंटर डॉयच, तो मैंने जर्मन सीखी। नेक्स्ट है इश हाटा डॉयच गेलैंड, अब यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट वही, हेल्पिंग वर्ब लेकिन पास्ट टेंस की, ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट, देन परफेक्ट, इश हाटा डॉयच गेलैंड, मैंने जर्मन सीखी थी, मतलब 10 साल पहले सीखी थी या 2 साल पहले सीखी थी, या टाइम मेंशन भी कर सकते हो, यानी कि ये बहुत पहले की बात है। अब आते हैं फुटुअर आइंस, जिसके अंदर सब्जेक्ट, देन वैडन की कॉन्जुगेशन, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपकी इन्फिनेटिव फॉर्म वर्ब, यानी कि लर्नन एक्चुअल वर्ब आएगी, तो मैं जर्मन सीखूंगी, आई विल लर्न जर्मन, तो इश वेडर डॉइच लर्नन। देन हमारा आता है फुटवर स्वाय, इसमें क्या हुआ है, सब्जेक्ट, देन वेडन की कॉन्जुगेशन, देन ऑब्जेक्ट, देन परफेक्ट, और देन हाबन।
इसमें क्या, मैं अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मैं अभी जर्मन सीखना शुरू किया, तो मैं 2 साल बाद जर्मन सीख चुकी होंगी। मैं फ्यूचर के बारे में अभी से बात कर रही हूँ कि मैं 2 साल बाद जर्मन सीख चुकी होंगी। तो इसके लिए इश वैडर डॉयच गिलेंट हाबन, तो प्रेजेंस में इश लैनर डॉयच, परफेक्ट में इश हाबर डॉयच गिलेंट, प्रिटेरिटम में इश लेंटर डॉयच, प्लूसक्वाम परफेक्ट में इश हाटा डॉयच गिलेंट, फुटुअर आइंस में इश वैडर डॉयच लैनन, फुटुअर स्वाय में इश वैडर डॉयच गिलेंट हाबन। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक वर्ब लेती हूँ मैं फॉरन। फॉरन का मतलब टू गो होता है, और कहीं दूर जाना। तो अगर मुझे इसको प्रेजेंस में बनाना है, ऊपर मैं आपको स्ट्रक्चर दे चुकी हूँ। अब फॉरन क्या है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि फॉरन मूवमेंट वाली वर्ब है, तो इसमें प्रिटेरिट परफेक्ट बनाने में डिफरेंट जाइन वाला कॉन्जुगेशन यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो मैं वो बताना चाहूँगी कि जाइन में की कॉन्जुगेशन क्या होती है, फिर मैं बताना चाहूँगी। इश बिन दू बिस्त एयर जी एस इस वियर जी जी जिन ईयर जाइड। करते हैं वारन की कॉन्जुगेशन। वारन की कॉन्जुगेशन क्या होती है, इश वार दू वास्ट एजीएस वार। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रिटेरिटोम में पास्ट टेंस में इश और एजीएस सेम होता है, इसलिए ये भी सेम होगा। देन वियर जी जी वारन एंड ईयर वार। ईयर तो सबसे इजी होता है, रूट उठाओ, रूट यहाँ तक होती है एंड देन टी लगाओ। अच्छा, ये वारन की कॉन्जुगेशन हो गई और ये जाइन की कॉन्जुगेशन हो गई। तो अभी हमने क्या किया, अभी मैंने आपको जाइन की कॉन्जुगेशन लिखा लिखकर दिखाई, इश बिन दू बिस एजीएस इस वियर जी जी जिन ईयर जाइड। और वारन की कॉन्जुगेशन इश वार दू वास्ट एयर जी एस वार वियर जी जी वारन ईयर वार्ड। पास्ट टेंस में क्या होता है, ये क्या है हमारा, ये टू बी है, ये प्रेजेंट का है, और ये इसका पास्ट टेंस है। जाइन का पास्ट टेंस वारन होता है, तो ये इश वार यानी कि जो हम वॉज और वर करते थे, तो ये वो है। तो इश वार दू वास्ट एयर जी एस वार वियर जी जी वारन ईयर वार्ड। एक्चुअली ये यूज होगी आगे, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि जो फारन है हमारी मूवमेंट वाली वर्ब है, दैट इज जाइन वर्ब। तो ये हमें प्लूसक्वाम परफेक्ट और परफेक्ट में यूज हो गई। अच्छा, मैं फारन की कॉन्जुगेशन भी बता देती हूँ। फारन की कॉन्जुगेशन तो आपको पता ही होगी, फारन का जो पास्ट होता है वो फोर होता है प्रिटेरिटम, और उसका जो परफेक्ट होता है वो होता है गेफारन। तो ये प्रेजेंस हो गई, ये पास्ट टेंस हो गया, और ये परफेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, फारन फुर और गेफारन। अब मैं सेंटेंसेस फॉर्म करूंगी। लाइक अगर मुझे बोलना है कि मैं, सपोज मुझे बोलना है कि मैं जर्मनी जा रही हूं, तो इश फार नाक डॉयचलैंड, सिंपल। मैं जर्मनी जा चुकी हूं। इश, अब क्या है जो फारन है हमारी मूवमेंट वाली वर्ब है जाइन वाली, तो जाइन की कॉन्जुगेशन हेल्पिंग वर्ब हमारी जाइन हो गई। तो इश बिन नाक डॉयचलैंड गेफारन, परफेक्ट हमारा ही हो जाएगा। मैं जर्मनी जा चुकी हूं। देन प्रिटेरिटम, मैं जर्मनी गई, तो इश फुर पास्ट टेंस लगा दिया, इश फुर नाक डॉयचलैंड। देन मैं 10 साल पहले जर्मनी गई थी, तो इश, अब इसमें जाइन का पास्ट टेंस यूज होगा, दैट इज वारन। तो इश वार नाक डॉयचलैंड ये फारन। देन आपका फ्यूचर में फुटुअर आइंस कैसे बनेगा, मैं जर्मनी जाऊंगी, आई विल गो टू जर्मनी। तो इश वैडन की कॉन्जुगेशन वही है, इश वैड नॉर्मल कॉन्जुगेशन नाक डॉयचलैंड, फिर वहां पर इन्फिनेटिव फॉर्म आती है फारन। और अगर इसी का मुझे परफेक्ट, मैं 10 साल बाद जर्मनी जा चुकी होंगी, तो इश वैड नाक डॉयचलैंड
ये फारन, हाँ ये फारन जाइन। तो ये हमारा है इश फारन नाक डॉयचलैंड, इश बिन नाक डॉयचल गे फारन, इश फुर नाक डॉयचलैंड, इश वार नाक डॉयचल गे फारन, इश वैडर नाक डॉयचल फारन एंड इश वैडर नाक डॉयचल गे फारन जाइन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पर जाइन क्यों लगा, उधर हाबन क्यों लगा था? क्योंकि जो फारन है हमारी जाइन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर जाइन लगेगा और यहाँ पर इसलिए हमने वार फॉर्म यूज की थी, प्रिटेरिटम में भी, प्लूसक्वाम में भी, प्लूसक्वाम परफेक्ट में भी, इसलिए वार फॉर्म यूज की थी क्योंकि ये हमारा जाइन फॉर्म है। तो पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में वारन फॉर्म यूज होगी और प्रेजेंट परफेक्ट में जाइन फॉर्म यूज होगी और फुटवर में भी जाइन फॉर्म यूज होगी क्योंकि फारन हमारी जाइन वर्ब है। और ये जाइन क्यों है ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी। एंड अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिए कि इसका क्या होगा। सारे फॉर्म्स आपको लिखने हैं। लाइक मैंने एक वर्ब दी लेजन, लेजन का मतलब टू रीड होता है, और लेजन प्रेजेंट में हो गया, लासन एंड गिलेजन। अब आपको इसके सारे फॉर्म बनाने हैं। तो अगर आपको बोलना है कि मैं बुक पढ़ती हूँ, या मैंने बुक पढ़ी, या मैं बुक पढ़ चुकी हूँ, तो ये सारे टेंसेस कैसे बनेंगे, या 10 साल पहले पढ़ी थी, या मैं पढ़ूंगी, ये सारे आपको बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।